हाय गाइस, दिस इज सना एंड दिस इज दिशा एंड यू आर वाचिंग द डंप वार्ड। ओके गाइस, आज हम एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आए हैं। लाइक हम लोग काफी एक्साइटेड हैं इस पर रिएक्ट करने के लिए, पर्टिकुलरली क्योंकि दिस इज बाय कैफी खलील, हमारे आपके सबके फेवरेट। सो गाइस, कैफी खलील इज बैक विद अ न्यू म्यूजिक वीडियो। यस गाइस, नॉट इवन ऑडियो, वीडियो के साथ ही आ गए वापस। और जो इस गाने का टाइटल है दैट इज मंसू। और यार, हम थोड़े से सॉरी भी है कि हम इस पे काफी ज्यादा लेट रिएक्शन दे रहे हैं। 3 weeks ago हो चुका है, 3 weeks ago हो चुका है और हम थोड़ा लेट आ गया, बट स्टिल हमें उसके लिए माफी दे देना। हम आप रिएक्शन देते हैं आप लोगों को, और आपको अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसा लगा। एग्जैक्टली गाइस, तो मैं तो आई बी ऑनेस्ट, आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस सॉन्ग, क्योंकि कैफी खलील ने जो बार सेट कर रखा है गाइस, वो तो बहुत ही अच्छा। और आई थिंक ये जो साना सोच रही है ना, वो सभी सोच रहे होंगे कि सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगी। और अगर जिसने पहले गाना सुन लिया वो भी कॉमेंट में बताना कि कैसा लगा उन्हें पहले सुन के। Yes guys, तो फटाफट से गाने पे रिएक्ट करते हैं। इट्स अ म्यूजिक वीडियो, तो आई थिंक कैफी खलील का जो एक उनका जो यूनिक स्टाइल है वो उसी को फॉलो करेंगे, बट लाइक चिंग समथिंग डिफरेंट और इट्स द सेम। सो लेट्स जस्ट सी, आई एम होपिंग इट्स द सेम। तुम्हारे नाम से मंसूब है हमारा हम, हमारी बात शुरू तुमसे और तुम्हीं पे खत्म। तुम्हारा नाम से मशहूर है हमारा गम, हमारी बात शुरू तुमसे और तुम्हीं पे खत्म। शायरी जहनी बीमारी है, ये जो तेरी यारी है ये तो धोखेबाजी है। बात ये पुरानी थी, दर्द अब भी जारी है। नहीं रखा कभी तुमने भी हमारा भरम, नहीं रखा कभी तुमने भी हमारा भरम। तुम्हारा नाम से मशहूर है हमारा गम, हमारी बात तुमसे और तुम्हीं पे खत्म। तेरे चेहरे की रौनक है आसमां सितारा, तू जानता है तुझ बिन नहीं कोई हमारा। तू चला गया यहाँ से सब मिट गया नजारा, तेरी खातिर मिला है हमें तोहफा खसारा। सबके सब चले गए यूं ही सब बदल गए, सबको हमने देख लिया यही दुनियादारी है। तुझको रखा सबसे अलग था, तेरे बारे में मैं गलत था। देख तेरे गम का साया दिल पे कितना भारी है। तुम्हारे नाम से बदनाम है जहान में हम, हमारी बात शुरू तुमसे और तुम्हीं पे खत्म। और उसमें से वो देख के गा रहे हैं,
काफी ज्यादा से कामिंग और सेरेन सी वाइब्स थी, विच इज आई थिंक जो कैफे खलीता एक पर्सनल यूनिक स्टाइल है उसको फॉलो कर रही थी एंड आई वाज होपिंग कि वो उसको फॉलो करे. और मेरे को भी ना थोड़ा थोड़ा वैसा ही लगा था, कहानी सुनो जैसा जो उसकी उसका वाइब था ना, हाँ उसी वाइब थोड़ी खारिज हो टाइप से. हाँ एग्जैक्टली. और यार ये जो गाना इन्होंने लिखा है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये बहुत दर्द में थे, इन्होंने प्लेन पेपर उठाया पेन उठाया और बस लिख दी जो फीलिंग थी और बाद में उसको सेट कर दिया कि यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा, क्योंकि लाइन बिल्कुल इन्होंने ऐसी लिखी थी कि वो जो रॉ था. एग्जैक्टली लाइक दैट कि मैंने दुनिया को देखा मतलब कोई नहीं था तुझ पे ट्रस्ट करा और देन यू लेफ्ट टू, ऐसे काइंड ऑफ चीजें इन्होंने लिखी. अगर हम गाने में से कोई भी दो लाइन उठा के देखें ना तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा पोएटिक है. उस चीज को ग्रास्प तो कर लिया हमने बट वो होने वाली चीज होती है ना कि ज्यादा खो गए और ठीक है एक दो बार और सुनते हैं तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो इस चीज की. क्योंकि जब हम जैसे हमने जब कहानी सुनो और दूसरी चीज की एक एक हम लाइन को नहीं पकड़ पाते हैं, हम एक जो सिग्निफिकेंस है गाने का उसको नहीं कैच कर पाते. लेकिन जब हम सेकंड टाइम थर्ड टाइम उसको याद करते हैं तब हमें रियलाइज होता है वो शेट के तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग था, मतलब हमारा रिस्पॉन्स वाज काइंड ऑफ अंडरवेलमिंग. हां तो ये होता है. तो एक चीज ये भी है कि हम ट्राई करते हैं कि ऑथेंटिक रिएक्शन दे, ऐसे फेक ना करें, वरना हम एक दो बार पहले सुन के और दोबारा आपको रिएक्शन दे आई थिंक वो बहुत गलत होगा. या फिर आप क्या चाहते हो आप बताओ, हम तो देखो ऑथेंटिक रिएक्शन का सेंस ही है. एग्जैक्टली हाँ. और तो मेरे को लगता है कि ऑथेंटिक रिएक्शन होने चाहिए क्योंकि रिएक्शन चैनल है तो ऑथेंटिसिटी तो होनी चाहिए यार ऑब्वियसली. एग्जैक्टली गाइस. तो अभी मेरे को लग रहा है जैसे एक जो वाली लाइन थी कि तेरे नाम से क्या सोच के गाना लिखा, तो मैं इसका भी जानना चाहती हूँ कि लाइक क्या जीनियस ब्रेन ने लाइक कैसे लिखा और लाइक व्हाट वाज द स्टोरी. आई थिंक हमें और भी चीजें इसके बारे में बोलनी चाहिए बट एक होता है ना लिरिक्स. आई यार ये कर सकते हैं हम ना ऐसे लिरिक्स पहले ही सॉन्ग के निकाल सकते हैं तो पेपर पे और फिर हम उसे रख सकते हैं और साइड साइड पढ़ सकते हैं ताकि हमें कुछ याद आए तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर सकें उस चीज को, क्योंकि आई थिंक कि वो इजी रहेगा. व्हाट डू यू थिंक गाइस, आप बताओ हमें लिरिकल वीडियो में रिएक्ट करना चाहिए. बट लिरिकल वीडियो पर रिएक्ट हम कर आई थिंक वी शुड रिएक्ट टू लिरिकल वीडियो. हाँ बट हमें पहले वीडियो देखनी थी. मैं ये सोच रही हूँ कि हम इस पर दोबारा रिएक्शन देंगे और एक चीज जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी जब वो चेयर लेके आए थे ना वो बीच के पास ऐसे खींच के फिर वो समझ नहीं आया था वो क्या करने वाले, फिर वो सीन चेंज हो गया फिर वो दोबारा थर्ड सीन में आए और वो चेयर पे बैठे और फिर वहां पर एक लाइन आई थी तो फिर वो काफी रिलेट करी थी उस चीज को कि मैंने जमाने को वो सब आजमा के देखा और वो बिल्कुल ऐसे बैठे होते कि मतलब वो हार चुके हैं हर चीज से, तो वो भी बहुत एक ना बहुत डीप सा वो था. और आई थिंक वीडियो में कुछ सिग्निफिकेंस था जो आई थिंक हम भी समझ पा रहे किसी को होगा, क्योंकि जब वीडियो जैसे स्टार्ट हुई तो कैफे खाली ही वाज बेयरफुट जब वो बीच पे जा रहे थे तो जो स्टार्ट हुआ वो तभी उनके लाइक जो फीट थे वो वहीं से स्टार्ट हुआ और जो गाना एंड हुआ वो एंड भी वही हुआ. ही वाज स्टैंडिंग मतलब सिटिंग जैसे बीच के पास जो वेव्स आ रही है उनके पैरों को ऐसे छू के जा रही है, तो आई थिंक कुछ ना कुछ इसका सिग्निफिकेंस है वो अभी हमारे को समझ नहीं आ रहा बट गाइस इफ समबडी क्रैक द कोड लेट अस नो. यार आप लोग स्मार्ट हो, मेरे को पक्का पता है किसी ना किसी को तो पता चल ही गया होगा कि क्या है या फिर इंटरव्यू में उन्होंने जरूर कुछ मेंशन करा होगा. मैं भी अभी दिमाग में सोच रही हूं बट ठीक है अपना अपना आई गेस परसेप्शन भी होता है कि कोई किसी को कैसे ले कोई किसी को कैसे ले, दैट इज द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक आई थिंक. बहुत सारे ऐसे विजुअल्स आए थे बीच में, वो फोन वाला भी आया था जिसमें वो हार्ट बीट वाला एक बना हुआ था. गाइस सब बताना अगर आपको पता है तो, वरना हम इंटरव्यू तो जरूर देखेंगे और खुद भी रिसर्च करेंगे गूगल पर. That was a reaction. Hope you guys enjoyed it. अगर हमने कुछ भी मिस करी ऐसी डिटेल जो कि हमें मिस नहीं करनी चाहिए हमें कॉमेंट्स में बताएं. And let us know कि हम next reaction किस पे दें because we are back after a long long time. Don't forget to subscribe the Dumb One.